अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 4 गाजर, 1 कप दूध, 1 कप चीनी, आधा कप मिल्क पाउडर, 2 चम्मच मक्खन, बड़े चम्मच मक्खन, और आधा चम्मच कुटी हुई इलायची। अब हम गाजरों को छोटा छोटा काट कर दूध के साथ ब्लेंड करेंगे और साथ ही मक्खन को लो आंच पर उबलने देंगे। गाजरों को हम पीस चुके हैं दूध के साथ। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी। अब इसको हम मक्खन जहाँ हमने पिघलाया है उसमें डाल देंगे और इसको अब हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 5 से 7 मिनट के बाद गाजर और दूध खुश्क हो चुका है। अब आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता देखती के साइड से वो लग रहा है। अब इस टाइम पे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। जब तक चीनी का पानी सूखता है तब तक हम इसको लो आंच पर पकाते रहेंगे। अब जब चीनी डालने के बाद इसमें हमें बबलिंग नज़र आ रही है तो अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच इलायची। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब गजरेला साइडों से बहुत आसानी से बीच की तरफ आ रहा है और कोई भी पानी का ट्रेस नहीं रहा, तो इसका मतलब है ये पक चुका है। अब इसको हम सर्विंग डिश में डालेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। शुक्रिया।